ठीक है. इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इवेल्युएटिंग ए फंक्शन हुज ग्राफ गोज थ्रू ए सेट ऑफ गिवन पॉइंट्स. आर इंटरपोलेशन इज ए टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द फंक्शन फॉर वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इस टेक्निक से हम डेटा जो दिया जाता है उससे एक पॉलिनोमियल को बनाते हैं, पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं जो उस डेटा के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है. अब इसके लिए हम पहला मेथड जो है वह है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला. तो इसमें ये वर्ड जैसे यूज हो रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमने पहले किए कर लिए हैं, तो इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज किया जाता है. लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी द फंक्शन विच टेक्स द वैल्यूज एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स एन फॉर इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स. तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्वी डिस्टेंट, तो ये इक्वली स्पेस डेटा के लिए ये हमारा फार्मूला होगा. तो इसके लिए पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे. एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो ओवर एच डेल्टा एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इन टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर टू फैक्टोरियल एच क्यूब इन टू डेल्टा स्केयर एफ एक्स जीरो प्लस एंड सो ऑन. तो ये यहाँ जो प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ ये फैक्टर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो जब हम एंड पे जाते हैं डेल्टा एन पे, तो ये फैक्टर बन जाते हैं एन एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, ये nth फैक्टर होगा. तो n फैक्टोरियल नीचे आएगा, h पावर n होगी. तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इससे पॉलिनोमियल बन जाएगी. अब इसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उन को सॉल्व करके देखेंगे. तो एग्जांपल वन है यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ मिनिमम डिग्री विच विल एग्जैक्टली फिट द फॉलोइंग डेटा. अब इसके अंदर ये एक्स वैल्यूज हैं, ये करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज हैं. एक्स वैल्यूज हैं 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, ये सारे विद सेम एच हमें पॉइंट मिलते हैं. तो एच अगर हमने फाइंड करना हो तो टेक एनी टू कंजेक्टिव एक्स वैल्यूज, मतलब 1.5 ले लेते हैं, इसमें से 1 माइनस कर दें 0.5 आ गया, इधर से कोई ले लें 3 माइनस 2.5 कर दें 0.5 आएगा. तो ये कोई भी कंजेक्टिव दो लेंगे हम तो डिफरेंस उसका एच होगा और वो सेम रहेगा. तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू 0.5 मिल जाती है. अब इस तरह के डेटा को हमने एक कॉलम्स में लिखना है, ऐसे एक्स का एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स का दूसरा कॉलम बना लेंगे. तो पहली वैल्यू को हम कहते हैं एक्स जीरो है, ये एक्स वन हो गई, एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स, ये 7 वैल्यूज हैं. और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज दी हुई हैं, यही वैल्यूज हमने यहाँ लगानी है. ये डेटा हमारे पास है एक्स वैल्यूज का और करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज का. इससे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है. अब उसके लिए क्या करना है हमने, तो जैसे आपको इस ऑपरेटर का बताया था कि ये नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू बना देता है. जब ये ऑपरेटर अप्लाई होता है तो इससे जो आंसर मिलता है वो नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, इससे हमें उसकी वैल्यू मिलती है. तो अब आपने जब यहाँ पे इनका इन पे लगाना है इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू ये है माइनस 0.25, इसमें से इसको माइनस करना है. तो इसमें से ये माइनस करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, ये इसका
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वैल्यूज होंगी इस कॉलम के नीचे, फिर हमने जाना है इन दो वैल्यूज पे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, फिर इस 0.75 में से इसको माइनस करते हैं तो ये वन आ गई, फिर इसी तरह से इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये सेवन वैल्यूज थी, अब ये सिक्स रह गई हैं, एक वैल्यू कम हो गई, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में ये सिक्स आ जाएंगी। अब इसी तरह से फिर आगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है, वो फिर इन दो वैल्यूज को यूज़ करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये वन आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया ये भी वन आ गया, तो इनको जब हम यूज़ करते जाते हैं तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज वन वन आ जाती हैं, और ये इससे एक कम वैल्यू होगी, ये सिक्स थी ये फाइव रह जाएंगी। अब इसके बाद थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फिर उसी तरह से हम लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं ज़ीरो हो गया, इसमें से इसको किया ज़ीरो, तो इस तरह से ये सारे ज़ीरो हो गए। अब इसमें सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस तक ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, थर्ड ज़ीरो हो गया, तो आगे सारे हम छोड़ देते हैं, वो सारे ज़ीरो हैं। अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस देखते हैं हम, हमारे इस फार्मूला में कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो ये पहली टर्म के अंदर तो जस्ट एफ एक्स ज़ीरो है, सेकंड में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ हो रहा है यहाँ, और थर्ड टर्म के अंदर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ हो रहा है, इसके अगले में थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ होगा, तो हमारे पास तो वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो यहाँ तक हैं, इसका मतलब हम इस प्रॉब्लम के लिए, इस डेटा के लिए सिर्फ यहाँ तक ये टर्म्स लिखेंगे, इतनी ये तीन टर्म लिखी जाएंगी सिर्फ यहाँ तक, और फिर इनकी वैल्यूज डाल देंगे हम, तो यहाँ तक जब ये टर्म्स लिखी जाएंगी तो यहाँ तो सिर्फ x की टर्म एक है तो x पावर वन रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक x ये है एक ये है तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल यहाँ पे बनेगी वो एक्स स्क्वायर में मिलेगी, डिग्री टू की पॉलिनोमियल बनेगी, हाईएस्ट पावर उसमें टू होगी इस जो भी पॉलिनोमियल बनेगी, तो हम कहेंगे जी इस डेटा से जो पॉलिनोमियल हमें मिलनी है वो डिग्री टू की मिलनी है। अब उसको वैल्यूज पुट करके फाइंड करते हैं, न्यूटन्स फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसको कहाँ तक लिखना है, जैसे अभी आपको बताया कि डेल्टा स्केयर एफ एक्स ज़ीरो तक लिखना है इसको, अब उसको लिखना है आपने, तो ये फार्मूला फिर लिखा गया एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो ओवर एच डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो एक्स माइनस एक्स वन ओवर टू फैक्टोरियल एच स्केयर डेल्टा स्केयर एफ एक्स ज़ीरो। अब इनमें जस्ट वैल्यूज पुट करें ऊपर टेबल को लेके, इसकी वैल्यू 0.75 है और x 0 की वैल्यू 0 है वो लगा दी, h की वैल्यू 0.5 है वो लगा दी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये वैल्यू लगानी है आपने, ये जो हाईलाइट की गई हैं इन वैल्यूज को हमने यूज करना है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में ये वैल्यू यूज होगी माइनस वन, फिर आगे आएगा ये x माइनस एक्स ज़ीरो फिर ज़ीरो है, x माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू 0.5 है तो वो यहाँ लगा देंगे, फिर उसके बाद है डेल्टा स्केयर एफ एक्स ज़ीरो, वो यहाँ से आएगा डेल्टा स्केयर एफ एक्स ज़ीरो, ये वाला हो गया पहली वैल्यू, ये वन लगा दी, टू फैक्टोरियल एच की वैल्यू 0.5 स्केयर। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, इस 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 लिखें तो ये 2 ऊपर चला जाता है तो ये 2x बन जाता है, और ये माइनस साइन इसको माइनस 2x बना देगी, फिर इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 1 ही है ये एज इट इज रहेगा ऊपर, इसमें नंबर चेंज करना है, तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं हम ये एक्स स्क्वायर हो जाता है और ये 0.5x हो जाता है, ये जब इसके साथ सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं तो हमारे पास ये 2x स्क्वायर माइनस x बनता है यहाँ से, फिर इसकी पॉलिनोमियल जो बनती है एफ एक्स ये फंक्शन जो बनता है वो है 2x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, ये दोनों ऐड होके
माइनस थ्री एक्स और ये कांस्टेंट। तो यहाँ से जो फंक्शन हमें मिला है वो डिग्री टू की एक पॉलिनोमियल मिली है। तो ये हमें टेबल से ही, जब हम टेबल बनाएंगे वहीं से पता चल जाता है कि ये जो पॉलिनोमियल बनाएगा टेबल, ये डेटा जो बनाएगा वो कितनी डिग्री की होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ मिनिमम डिग्री विच विल एग्जैक्टली फिट द फॉलोइंग डेटा, और साथ ही उसके करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 1.3 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। इसी डेटा को हमने यूज करते हुए फंक्शन की वैल्यू एट 1.3 फाइंड करनी है। वो इस डेटा के अंदर नहीं है, वो 1.2 और फिर 1.4 है, यहाँ कहीं वो वैल्यू लाई करती है। अब इसका भी उसी तरह से हम देखते हैं एच क्या है। ये पहली वैल्यू है 1, फिर है 1.2, फिर है 1.4। ये डिफरेंस देखें अगर तो 0.2 का डिफरेंस है सब में, एच की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। अब इसको भी कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक्स वैल्यूज ऐसे आ गई 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एफ एक्स वो यहाँ सामने इसके लिख दी। अब वही प्रोसेस करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं तो 1.73 माइनस 2.25, ये आ जाता है माइनस 0.52। फिर हम लेंगे 0.97 माइनस 1.73, इसकी ये वैल्यू बन गई। फिर इन दोनों से ये वैल्यू बनी, ये दो वैल्यूज लेके ये आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट पे ये दो वैल्यूज ये आंसर बनाएंगी। अब इसके बाद फिर इसका अगला फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है, वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस लेने के लिए ये फिर उसी तरह से माइनस 0.76 प्लस 0.52, इस साइन ने उसको प्लस किया तो ये वैल्यू बनी। फिर इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया, इसमें से ये माइनस हुआ। तो अब यहाँ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फिर सेम हो गया। इसका मतलब जब सेम हो जाते हैं तो अगला फॉरवर्ड डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है। तो इसके अंदर भी जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगी वो सेकंड डिग्री की मिलेगी, क्योंकि इसमें भी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस वैल्यू सेम हो गई है। हम आते हैं इसको पॉलिनोमियल को बनाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो ओवर एच डेल्टा एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन ओवर टू फैक्टोरियल एच स्केयर डेल्टा स्केयर एफ एक्स जीरो, यहाँ तक ही इसकी टर्म्स लिखी जाएंगी। फिर अब इनकी वैल्यूज डालते हैं। एफ एक्स जीरो की वैल्यू 2.25 आ गई, इसमें एक्स जीरो की वैल्यू डाली वो 1 थी, एच की वैल्यू 0.2 है, इसकी वैल्यू ऊपर यहाँ पे माइनस 0.52 ये वैल्यू लगा दी। फिर ये एक्स टू की एक्स वन की वैल्यू है, ये यहाँ आ जाएगी, एक्स जीरो यहाँ 1 आ जाएगा, और एच की वैल्यू 0.2 का स्केयर हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल का 2 होगा। बाकी ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ये वाला माइनस 0.24 ये वैल्यू डाली। इसके बाद इनकी सिंप्लीफिकेशन है, इसको जब इस 0.52 को 2.2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2.6 बन जाता है। 2.6 इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा। इसी तरह से ये एक नंबर बना के इससे हमने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, और उससे हमें जो यहाँ से ब्रैकेट खोलने से मिलता है वो ये वाला पार्ट है। ये पार्ट इन ब्रैकेट्स को खोलने से मिल जाता है, और इसको और इसको लेके जब इसके साथ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो माइनस 3 मिल जाता है। अब माइनस 3 से इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फिर अरेंज करके लिखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती 1.25 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये फंक्शन बन चुका है, इस फंक्शन में ये इस डेटा की सारी वैल्यूज़ को
सेटिस्फाई करता है। अब हमने 1.3 पे जब फाइंड करना है यहाँ पे, तो हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1.3 लगा देते हैं और यहाँ लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.3 पे फंक्शन वैल्यू हमें मिल जाती है 1.38। तो जब पॉलिनोमियल बन जाती है तो फिर हम किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद यूज एन इंटरपोलेशन फार्मूला टू ऑब्टेन एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1.36 फॉर गिवन डेटा। अब इसके अंदर भी ये एक डाटा दिया गया है जिसमें फिर हम h देखते हैं क्या है। पहली वैल्यू है 1.0, फिर है 1.1, फिर है 1.2। तो अगर ये डिफरेंस देखें कंजेक्टिव ये नंबर लेके, तो 0.1 का डिफरेंस है। तो इसके अंदर h की वैल्यू 0.1 बन गई और हमने इस x की वैल्यू पे फंक्शन को फाइंड करना है। ये वैल्यू यहाँ कहीं लाई करती है, 1.3 से ग्रेटर है, 1.4 से लेस है, तो इसके अंदर कहीं लाई कर रही है। इसको हमने फाइंड करना है तो इसके लिए भी पॉलिनोमियल पहले बनाएंगे। अब इसका उसी तरह से कॉलम्स में एक टेबल बना लेते हैं, x वैल्यूज फंक्शन वैल्यूज x 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 तक करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये आ गई। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 9.69 माइनस 8.01 ये आ गया 1.68, फिर 11.56 माइनस 9.69 ये आ गई। इसी तरह से इन दोनों से ये वैल्यू आ गई, इनसे ये वैल्यू आई, फिर इन दोनों से ये वैल्यू आ गई। इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम बना लेते हैं, ये दो वैल्यूज लेके 0.19 आ गया, इन दो वैल्यू से 0.18 आ गया, इनसे 0.18, इनसे फिर 0.19। अब ये वैल्यू सेम नहीं हुई, इसका मतलब जब सेम नहीं हुई तो आगे इसको और कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इसका फाइंड करते हैं, वो -0.01 बना इन दो वैल्यू से, इन दोनों से ये ज़ीरो बन गया, इनसे ये 0.01 बना। यहाँ फिर सेम वैल्यूज़ नहीं है, सेम नहीं है तो इसको आगे और लेके चलेंगे। तो डेल्टा 4fx फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, इन दो वैल्यू से ये वैल्यू आ गई, इन दो वैल्यू से ये आ गई, तो यहाँ आके ये सेम हो गए। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस वैल्यू सेम हुई हैं, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि इस डेटा से जो पॉलिनोमियल बनेगी वो डिग्री 4 की बनेगी। अब इसको हमने डेल्टा 4fx0 तक लिखना है फार्मूला को, fx = fx0 + x - x0/x - x0 x - x1/2 ✕ h2। यहाँ पे डेल्टा स्केयर fx वो लिखना है आपने, वो मिसेंगे, यहाँ लिखने में मिस हो गया। x - x0 x - x1 x - x2/3·h³∆³fx0 + x - x0 x - x1 x - x2 x - x3/4·h³(4 ∆4fx0) यहाँ तक इसका ये फार्मूला लिखा जाएगा, फिर इनकी वैल्यूज डाली जाएंगी। अब इसकी वैल्यू डालते हैं ऊपर से 8.01, x - x1 ये 1 है, x0 1 है, तो x - 1/h की वैल्यू 0.1 और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे 1.68 वो लगा देते हैं, फिर x - 1 अगली वैल्यू x माइनस ये वैल्यू आएगी 1.1, 2·2 0.1 स्केयर एच स्केयर बन गया ये, और ये सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की ये वैल्यू 0.19 वो लगा दी, प्लस आगे x - 1 x - 1.1 इसी तरह से x - 1.2 तक जाएगा, 3·, उसको 6 लिख दिया है और 0.1³ हो गई, और इसके बाद ये वैल्यू आएगी इसके साथ, फिर
ये आ गया यहाँ प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन पॉइंट वन, एक्स माइनस वन पॉइंट टू, एक्स माइनस वन पॉइंट थ्री तक के जाएगा ये ओवर फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल 24 हो जाता है और पॉइंट वन की पावर फोर हो जाएगी और ये वैल्यू लास्ट पे लिखी जाएगी। इसके बाद इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये तो एक ही फैक्टर ऐसे लिख दिया, इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया, फिर ये प्रोडक्ट दो फैक्टर की हमने कर ली, वो ये आ गए। इसके साथ ये वाला नंबर जो है 9.5 बन जाता है, ये प्रोडक्ट ये बन गई। इसके बाद यो ये दो फैक्टर यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है इसको यहाँ ऐसे लिख दिया और एक फैक्टर यहाँ भी लिखा है, फिर इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम और इससे जो नंबर बनता है वो ये बनता है। ये सिंप्लीफिकेशन हो जाती जब तो ये नंबर आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पे जो फैक्टर हैं ये चार हैं, ये पहले दो तो वही हैं जो यहाँ भी थे इधर भी थे, इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट तो वही रह जाएगी ये वाली, इन दो फैक्टर की प्रोडक्ट ये बना ली हमने और इनसे जो नंबर बना वो ये बन गया। अब हमने ये फैक्टर खोलने और ये फैक्टर खोलने, इनको जब खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से और यहाँ से ये कुछ प्रोडक्ट्स खोलेंगे तो इस तरह आ जाएगा और फाइनली फिर जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल डिग्री फोर बन जाएगी। ये एफ एक्स इज इक्वल टू 4.1667 एक्स पावर फोर माइनस 21.88 एक्स क्यूब प्लस 48.5 एक्स स्क्वायर माइनस 34.288 एक्स प्लस 10.96। अब इस पॉलिनोमियल में हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट 1.36, एक्स की वैल्यू 1.36 लगा देते हैं, 1.36 इधर भी लगाते जाते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ, तो उससे फाइनली जो हमारे पास फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट पे आती है वो 13.2501 आ जाती है। तो ये हमारा इस फंक्शन की वैल्यू आ गई जो हमें आंसर रिक्वायर्ड था। अब इसके बाद है कंस्ट्रक्ट ए पॉलिनोमियल फ्रॉम द पॉइंट्स, तो इस तरह से भी डाटा दिया जा सकता है जैसे वो ऊपर दिया गया था वैसे भी हो सकता है। इसमें जो पहली वैल्यूज हैं ये एक्स वैल्यूज हैं, इसको हम कहेंगे ये एक्स जीरो वैल्यू है, ये एक्स वन वैल्यू है, एक्स टू वैल्यू है, एक्स थ्री वैल्यू है, ये एफ एक्स जीरो है, एफ एक्स वन है, एफ एक्स टू है, एफ एक्स थ्री है। तो अब इनको फिर इसी तरह से कॉलम्स में ये टेबल बनाते हैं, ये वैल्यूज आ गई 0, 1, 2, 3, 5, 3, 3, 5। तो इसमें h की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो h की वैल्यू 1 हो गई। इसके फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2, फिर इसके बाद सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस वो सेम हो जाता है और सेम होने से हमें पता चल गया कि इस डेटा से पॉलिनोमियल डिग्री 2 की बन जाएगी। तो वही प्रोसेस किया हमने जो पीछे किया था और उससे जब सिंप्लीफाई किया हमने तो ये एक पॉलिनोमियल मिल गई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसके बाद एक ये डेटा दिया गया है, सिर्फ इसका आंसर नहीं बताया, तो इसको भी इसी तरह के एक टेबल में लिख लेना आपने। ये एक्स वैल्यूज लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4। तो इससे एक इस तरह का टेबल जब लिखा जाएगा उसके फॉरवर्ड डिफरेंस ले लेने फर्स्ट सेकंड जितने भी जाएंगे, तो फिर इसी तरह से फार्मूला लगा के इस तरह की कोई पॉलिनोमियल बनेगी। तो ये डिग्री 2 की हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में कहाँ तक ये
ये वैल्यूज हमें मिलती हैं, सेकंड तक मिलती हैं या थर्ड तक जाकर मिलती हैं। तो ये यहाँ तक हमने इस लेक्चर में कवर करना था।